अल अरेबिया का बड़ा दावा, इसराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इसका अटैक किया है। अल अरेबिया की तरफ से ये जानकारी सामने आ रही है और जानकारी इस वक्त ये कि भले ही ये हमला हो गया है लेकिन अभी भी हूती डरा नहीं है, हूती के इरादे अभी भी बुलंद है। तो चलिए एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे गेस्ट का जो इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाज। इस वक्त की जो सिचुएशन है जिसमें कहा जा रहा है कि अभी यमन के आसमान में इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गश्त कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी इजराइल की तरफ से दिखानी यमन को बाकी है? बिल्कुल सच्चाई ये है, कहीं ना कहीं इजराइल चाहता था कि किसी तरीके से होती रिबल से डायरेक्ट अटैक हो जाए और हिजबुल्ला तो एक प्रकार से लैंड बाउंड्री के साथ मिलता है, होती रिबल यमन है 2200 किलोमीटर, इसका मतलब कोई भी हथियार वहां से फायर होता है तो उसकी वार्निंग मिल जाती है क्योंकि सऊदी एयर स्पेस से होके ही इजराइल पे जाएगा। मगर यह सच्चाई है कि होती रिबल सक्सेसफुल हुए अपने ड्रोन से टेलवी पे हमला करने के लिए, ये एक प्रकार से सेटबैक था इजराइल के लिए। मगर इजराइल को ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है अपने F-16 और F-35 से जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटी है होती रिबल की, उसको अब वो बर्बाद करेंगे और जो ये ऑयल है और उसके बाद इनका वेपन का डिपो है और बाकी जो इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मुझे लगता है अब इजराइल छोड़ने वाला नहीं। और ये एक चीज भी ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने बार बार बताया था इजराइल को कि जब आप हमास के राफा पे नहीं जाना हम आपको ऑफेंसिव हथियार नहीं देंगे, मगर जब बात आती है हिजबुल्ला की और होती रिबल की तो अमेरिका हर कोई वेपन देने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि होती रिबल पे F-16 भी मिल रहे हैं उनको, F-35 भी, और इंटेलिजेंस भी गैदर हो रहा है और कलेक्टिवली ये फायर करके होती रिबल का नामो निशान मिटाने की कोशिश करेंगे। आसान नहीं है मगर पूरी कोशिश होगी और मुझे लगता है किसी तरीके से होती रिबल ने तुख्ती नबज को दबाया है इजराइल की और इसको ऊपर बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। और ऐसा भी लगता है हो सकता है हिजबुल्ला के साथ भी कभी भी दोबारा लड़ाई छिड़ सकती है क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो ज्यादा पोटेंट है, उसका लैंड बॉर्डर मिलता है इजराइल से और उसके जो हथियार हैं उसकी काबिलियत और क्षमता 10 गुना ज्यादा है, उनके ट्रक्स भी ज्यादा है, 1,00,000 से ज्यादा मिसाइल रॉकेट है। मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ने के चांसेस हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इसमें अब जो देश है उनके भी अब एंट्री और होने की जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसको लेकर मैं सुमित आपसे जानकारी चाहती हूँ। यमन हमले पर टीवी चैनल अल अरेबिया ने जो बात कही है जिसमें उसने कहा है कि इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर यह हमला किया है, मिडिल ईस्ट के एक और देश यमन पर यह अटैक, इन अल अरेबिया चैनल की जो खबर है इसको और डिटेल अगर हम समझे तो क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले तो अमेरिका ने इसको लेकर नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सपर्सन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, अमेरिका इसमें कहीं पर भी इन्वॉल्व था, लेकिन ऐसा मानना संभव नहीं है क्योंकि निश्चित तौर पर अमेरिका को कोऑर्डिनेशन में रखे बिना करना, इससे पहले भी कॉन्फिडेंस के अंदर गैप आया था जिसको लेकर इजराइल को लेकर अमेरिका ने कई सवाल खड़े किए थे। तो ये जरूर है कि निश्चित तौर पर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना अमेरिका ना हुआ हो लेकिन अमेरिका के अप्रूवल और अमेरिका के साथ के बिना इजराइल अटैक नहीं कर सकता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब इससे ना सिर्फ यमन बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में आप देख सकते हैं कि एक नया ब्लो आएगा, एक नया खासतौर पर एक नया आप कह सकते हैं कि एक अग्रेशन आएगा क्योंकि ईरान इस बात को लेकर बहुत अग्रेसिव है कि आप इससे पहले लेबनन के अंदर जिस तरीके से अटैक किए गए थे उसको लेकर भी ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि अगर लेबनन के ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है तो निश्चित तौर पर वो भी आएगा। तो ऐसा ही स्टैंड उसका यमन को लेकर भी होगा। तो ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा पोस्टिंग जरूर है इसराइल की तरफ से। इसराइल ने इसको इस ऑपरेशन को भी जो नाम दिया है वो नाम दिया है लॉन्ग हैंड, यानी लंबे बाजू लंबे हाथ। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे हाथ यमन तक पहुंच सकते हैं, हम लगातार इतनी कैपेबिलिटीज में है कि हम यमन तक भी पहुंच सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक निश्चित तौर पर इसराइल की तरफ से पोस्टिंग जरूर है लेकिन ये देखना होगा कि इसके रिप्लिकेशन क्या होंगे, इसके प्रभाव क्या होंगे, क्या यमन की तरफ से उसकी जो लॉन्ग मिसाइल है उससे टारगेट किया जाएगा, क्या अब हिजबुल्ला के साथ साथ जो इराक में बैठे या फिर सीरिया में बैठे प्रॉक्सीज हैं क्या वो भी अब इसराइल पर टारगेट करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इसके प्रभाव बहुत ज्यादा होंगे। और आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि इसराइल इसको कैसे हैंडल कर पाएगा।
लेकिन साथ ही एक बात आपने कही ऑपरेशन को लेकर जो इसराइल ने यमन में किया, लॉन्ग हैंड, अमिताभ जी इस पर आपका एक क्विक रिएक्शन मुझे चाहिए। लॉन्ग हैंड भले ही ऑपरेशन का नाम आप दे दें और ये बताएं कि हमने बहुत बड़ा नुकसान यमन को पहुंचाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेल अवीव में हुआ है वो सबसे बड़ा चैलेंज था जिसे इसराइल नहीं रोक पाया। इस समय जो इनडिफेंसिबल अपने आप को दिखाता है खासकर एयर पावर में, उसमें वो फेल किया, तो वो एक तरह से अटैक सिर्फ अपनी जनता को दिखाने के लिए है। और ऐसा नहीं है, ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलके 21 जनवरी और 11 जनवरी को कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए थे इनके इंस्टॉलेशंस पे, इनके जो भी जहां स्टोरेज डिपो थे आर्म्स को वो भी तबाह किया था। तो ये लॉन्ग हैंड कह लें या जो कह लें, अमेरिका ने बहुत क्लियर कहा है कि आप जो गजा में चल रहा है उसको आप टैकल कीजिए। अगर गजा से बाहर या इसराइल से बाहर युद्ध होता है तो पूरा प्रोटेक्शन देगा अमेरिका। तो ये मान लेना कि इसराइल ने अकेले किया होगा बिना इंटेलिजेंस बिना कम्युनिकेशन सपोर्ट के, ये असंभव है। लेकिन फिर भी अगर ये भी मान लेते हैं कि ये लोकल पॉपुलेशन को, लोकल सिटीजन्स को अपने इसराइल ये प्रूव करना चाह रहा है कि देखिए आप सेफ हैं, क्योंकि इस एक सिंगल इंसिडेंट से तेल अवीव जो उनका फिनेंशियल कैपिटल है उसने पूरे इसराइल में हड़कंप मचा दिया है। और अगर आप वहां के टीवी देखें या न्यूज़पेपर्स देखें, मैं हारेथ उनका एक पेपर पढ़ रहा था, अब सबको ये लगने लगा है कि अब जिस तरह से स्ट्राइक्स बढ़ते जा रहे हैं और ड्रोन अटैक्स होते जा रहे हैं, अगर हिजबुल्ला या लेबनान किसी तरह से अटैक्स उन पर ज़्यादा कर देता है, और हिजबुल्ला ने पहले भी स्टेल्थ ड्रोन से उनको दिखाया था कि उनके पोर्ट्स को दिखाया था, उनके शहरों पर उनके फोटोग्राफी की थी, तो अब उनको ये लगने लगा है कि पूरा इसराइल वल्नरेबल है, खासकर सिविलियन पॉपुलेशन। और इसी मद में आप आज जो अटैक हुआ है, जो अटैक किया है IDF ने, वो इसी को दिखलाने के लिए है कि देखिए हम सक्षम हैं उन पर स्ट्राइक करने के लिए। लेकिन हूतियों पर इसको मैं बता दूं प्रीति, कोई असर नहीं पड़ेगा। हूती अभी भी एक बहुत डिसरप्टिव फोर्स है इस रीजन में, ईरान का सपोर्ट है, रेड सी में वो पहले से अटैक करते आए हैं जहां से दुनिया के 15% सी ट्रैफिक जाता है। तो आने वाले दिनों में ये हूतीज न रुकने वाले हैं। अगर ये कोऑर्डिनेटेड ईरान से सपोर्टेड कोऑर्डिनेटेड हिजबुल्ला भी अटैक करें और हूती भी करें, तो आने वाले समय में ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसराइल के लिए। और ये वॉर जो है, जो अब तक माना जा रहा था कि लोग लिमिटेड रखेंगे, वो व्यापक होने की उम्मीद है। यानी कि ग्लोबल इंपैक्ट इस घटना का हो सकता है। अभी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 घंटे हुए हैं जब इसराइल ने यमन पर अटैक किया है।